सभी को निशा नमस्कार। मैं कुलभूषण शर्मा, निशा नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस, जो 60,000 के करीब स्कूल्स का एक अलायंस है, उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो आपसे कुछ अपने अनुभव इस टॉपिक पे शेयर करना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली जो मैंने देखे हैं या महसूस किए। अपने 20 साल के एजुकेशन के सीन में जब से मैंने काम करना शुरू किया, तो करीब 6 से 7 हज़ार स्कूलों को, स्कूल्स को, उनके बच्चों को पर्सनली जाकर मैं मिला हूँ। और इस बारे में 21st सेंचुरी की एजुकेशन या एजुकेशन पॉलिसी या क्या इसमें होना चाहिए, ये जानने का प्रयास किया। तो आप यकीन मानेंगे कि बच्चे अलग तरह की बात करते हैं। जो मेन फोकस्ड एजुकेशन का, कि 21st सेंचुरी में कैसे अफोर्डेबल एजुकेशन होनी चाहिए या एजुकेशन होनी चाहिए, तो सिस्टम ये समझ आता वहाँ पर बच्चों की बातें सुनकर कि 21st सेंचुरी का बच्चा क्या चाहता है, हर उसको पढ़ा कौन रहा है, 20वीं सदी का अध्यापक, और एजुकेशन पॉलिसी कौन सी है, 18वीं सदी की। और बच्चा जिसको सेंटर में रख के चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाती है, उसे ये पूछा ही नहीं जा रहा कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। मैं सुबह जब थोड़ी देर के लिए आया, तो मैंने तभी एक सवाल किसी ने, शायद अनिल स्वरूप से भी एक बच्चे ने पूछा, तो बात चल रही थी कि आप सिस्टम में अगर एक चेंज एजुकेशन में लाना चाहें तो क्या चेंज लाना चाहेंगे। तो बच्चों ने शायद ये कहा, एक बच्चे ने, कि मैं टोटली चेंज लाना चाहूँगा। अभी इससे पहले भी एक बच्चे ने सवाल किया एक स्पीकर से कि अगर मैं बिना स्कूल के पढ़ना चाहूँ तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ बेहतर। और मेरा तो एक मानना है कि बच्चा पढ़ सकता है बेहतर, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एकलव्य एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि बिना स्कूल के वो अर्जुन से भी आगे निकला। तो मेन बात जहाँ पर एजुकेशन की आती है, बच्चा एक मेन उस पर सेंटर में बच्चा है एजुकेशन में, 21st सेंचुरी का एजुकेशन में, उससे हम बात ही नहीं करना चाहते कि वो छोटा है। आज बच्चों के ऊपर मैंने देखा कि स्पेशली मैं प्रियादीप जी का तो थैंक्स करूँगा कि उन्होंने बच्चों को इस अनकॉन्फ्रेंस का पार्ट बनाया, और उस गैप को, जो एक गैप है बहुत बड़ा, उसको एक दूर करने का प्रयास इसमें किया गया, और बच्चे बहुत गहनता से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हम 21st सेंचुरी की एजुकेशन देना चाहते हैं, अफोर्डेबल एजुकेशन देना चाहते हैं, आप घर में देखें, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और बच्चा है। ग्रैंड पेरेंट्स आप समझ लें, जैसे मैंने कहा हमारी एजुकेशन पॉलिसी, पेरेंट्स को आप अध्यापक से तुलना कर सकते हैं, और बच्चा 21st सेंचुरी का। आज मोबाइल पे अगर कुछ काम करना हो तो ग्रैंड पेरेंट्स को कौन सिखाता है, बच्चा सिखाता है, पूछना पड़ता है उसे, पेरेंट्स को भी पूछना पड़ता है। लेकिन हमारी एजुकेशन पॉलिसी में बच्चे को पूछा ही नहीं जा रहा, उस पर चीज़ को बिल्कुल फोर्सली थोपा जा रहा है। हमने भी अपने बच्चों पर उसका थोपा, क्योंकि एजुकेशन का एक सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। तो मैं कई बार कहता हूँ कि काश शायद हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज बनती हैं वोट सेंटर्ड होती हैं या बहुत सारी और चीज़ों को सेंटर में रख के होती, तो मैं कहता हूँ काश इन बच्चों की, मासूम बच्चों की वोट होती, तो शायद 21st सेंचुरी जिसको हम बनाने की बात कर रहे हैं, वो अपने आप ये बच्चे बना देते। और इसका एक और उदाहरण आपको देखने में मिला होगा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, वो 21st सेंचुरी की बात उन्होंने करनी शुरू की इस देश में, और वो जब भी बात करते थे तो किनके बीच में करते थे, बच्चों के बीच में बैठ के, कि अगर आपको 21st सेंचुरी की अफोर्डेबल एजुकेशन बच्चों तक पहुंचानी है तो उसका माध्यम बच्चे ही हैं। दूसरा, इस पे
जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा हर्डल क्या है, सिस्टम और पॉलिसीज। सरकार एजुकेशन से अपना हाथ खींचना नहीं चाहती, बच्चों की राय लेना नहीं चाहती, टीचर अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते, जबकि एजुकेशन का एक सिस्टम क्या होना चाहिए कि बच्चे, हमारे पास इस मॉडल है, हमने इस चीज़ को महसूस किया स्कूलों को विजिट करके कि एक स्कूल हमारे पास इसका उदाहरण है जहां बच्चे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर का काम कर रहा है और वो स्कूल 21st सेंचुरी में जो हम चाहते हैं वो दे रहा है। उस स्कूल के बच्चे 6-6 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस बोलते हैं विदाउट कोई टीचर के, सभी लोग इंग्लिश में निपुण हैं। मैं आज इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर विदाउट इंग्लिश टीचर होते वो बच्चे इंग्लिश में सारे बड़े महारत, बड़े अच्छी स्पीकिंग कर रहे हैं इंग्लिश की और हर स्किल में निपुण है, इसके अलावा भी और स्किल्स। और 21st सेंचुरी में स्किल्स क्या चाहिए, क्या बच्चों के अंदर, कैसा बच्चा होना चाहिए, कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, इस पर हमने फील किया कि सबसे बड़ी चीज़ है बच्चा एक्टिव और अलर्ट सिटीजन हो, एक अच्छा सिटीजन सबसे पहले हो, अपने सिर्फ राइट्स को नहीं जाने, अपने ड्यूटीज को जाने। मॉरल वैल्यूज भी उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो, वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो। बाकी का काम अगर आप बच्चों पे छोड़ दोगे बहुत सारा काम, और टीचर एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करेगा, तो 21st सेंचुरी का एक पंजा पानी देंगे, तो 21st सेंचुरी की एजुकेशन बच्चे अपने आप अपने लिए तैयार कर लेंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण जैसे मैंने कहा हमारे पास भी हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे इंटरवेंशंस हैं जिसकी वजह से इस पर दिक्कत आ रही है, लेकिन इसके सॉल्यूशंस भी हैं कि कैसे अफोर्डेबल रेट पे 21st सेंचुरी की एजुकेशन मिल सकती है। बजट प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो छोटे स्कूल्स हैं कम फीस पर, ये कहीं पैरामीटर नहीं है कि ज़्यादा फीस होगा तो बेटर एजुकेशन होगी, बहुत सारे स्कूल इसीलिए वो स्कूल फल फूल भी रहे, इस तरह की एजुकेशन मुहैया करा रहे हैं गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस के बावजूद। लेकिन इसका सलूशन क्या है, किसके क्या सलूशन होने चाहिए, बच्चों को सबसे पहले अपना, जैसे हम बड़े में कहते हैं कि बच्चे को अपनी एजुकेशन चुनने का अधिकार होना चाहिए कि उसको कहाँ जाना है, लेकिन 10th और 12th तक हम बच्चों को फोर्स करते हैं, उनके पास कोई राइट नहीं है, उनको फोर्स किया जाता है कि आपको यही पढ़ना है, उनकी मर्जी का, उनकी चॉइस उनको मिल ही नहीं पाती बच्चों को, ना उनको अपने सब्जेक्ट्स की चॉइस मिल पाती है, ना स्कूल की चॉइस मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि तो एजुकेशन जो है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट गाइडेड है और अफोर्डेबल, बहुत सारे लोग एजुकेशन को अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे, जिस तरह की एजुकेशन चाहते वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, तो उनके पास चॉइस भी एक ऑप्शन नहीं है, वो अपनी चॉइस का स्कूल भी चुन नहीं पाते। तो इसके लिए एज ए नीसा स्कूल लीडर या बजट प्राइवेट स्कूल लीडर हमने काफ़ी कुछ काम करने की कोशिश की है कि कैसे हम 21st सेंचुरी की अफोर्डेबल एजुकेशन बच्चों को दें। तो हमने अपने तरीके से जो हम एफर्ट्स कर सकते थे उस पर हमने अपना एक क्वालिटी चार्टर भी बनाया कि कैसे क्वालिटी एजुकेशन 21st सेंचुरी की बच्चों को अफोर्डेबल, उस पर उनकी चॉइस से भी, कहीं उनकी चॉइस ये फोर्स्ड उन पर ना हो कि उनकी चॉइस से। दूसरा हमने एक और एक्टिव और अलर्ट बच्चों को सिटीजन कैसे बनाया जा सकता है, तो नीसा ने ऐसे कुछ NGOs के साथ मिलकर, एक देश अपना ये NGO है, उनके साथ मिलकर कैसे बच्चों को एक्टिव और अलर्ट सिटीजन बनाया जा सकता है उस पर भी काम करना शुरू किया। ऐसे ही ग्रे मैटर कंपनीज के साथ मिलकर क्वालिटी चार्टर कि कैसे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन उनकी चॉइस की दी जा सके, इस पर भी काम किया। और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हमने एक गुलदस्ता बनाकर कोशिश की कि बच्चे इस पर अपनी चॉइस से काम करें और टीचर
उस पर फैसिलिटेटर का काम करे कि बच्चों को कहीं ये ना लगे कि हमें फोर्स किया जा रहा है, जिससे 21st सेंचुरी की एजुकेशन, हमारा मानना यही है कि अफोर्डेबल एजुकेशन वही है कि बच्चे उसमें खुश महसूस करें, स्कूल में आने में खुशी महसूस करें, अपनी चॉइस की एजुकेशन, अपने स्टाइल की एजुकेशन, अपने तरीके से मिलकर उस पर ले सकें, और हम भी उनको जगह जगह से कलेक्ट करके ऐसी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर सकें। लेकिन उस पर हम भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, कि ये नहीं है कि हम इसमें बहुत सफल हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन उसमें बहुत है, कि गवर्नमेंट की कुछ बहुत सी इंटरवेंशन है जो हमें वो काम करने नहीं देती। तो उसमें हमने गवर्नमेंट को ये अपनी तरफ से सुझाव दिए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन के अंदर स्कूल चुनने का हक पेरेंट्स को मिले। आज उनको स्कूल चुनने का हक नहीं है, वो अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से कितनी उनकी कैपेसिटी है उनको वो स्कूल चुनना पड़ता है, उन्हीं रेंज में से स्कूल चुनना पड़ता है। तो हमने उसमें कहा कि एजुकेशन में जब भी DBT होनी चाहिए, कि जो एजुकेशन का फंड है वो पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को उनको दे दिया जाए DBT के शेप में, जैसे पूरे इंडिया में DBT की बात हो रही, तो उनको उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए एजुकेशन वाउचर के शेप में या किसी भी शेप में, ताकि बच्चे जो है अपने, उनके पेरेंट्स उनके मनपसंद का स्कूल चॉइस से चुन सके। जब तक बच्चों को चॉइस नहीं मिलेगी, मार्केट में कंपटीशन नहीं आएगा, पेरेंट्स के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी, तो अफोर्डेबल स्कूल चुनेंगे कैसे? अफोर्डेबिलिटी पेरेंट्स के पास होनी चाहिए। तो अगर वो अफोर्डेबिलिटी उनके पास होगी, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, तो तभी 21st सेंचुरी के स्कूल्स जो हैं या उसके बच्चे जो हैं वो तैयार किए जा सकते हैं। और एजुकेशन में ऑटोनमी ज़रूरी है, जिससे स्कूल अलग अलग तरह से अपने इनोवेशंस कर सकें, बच्चे अपने अलग अलग फील्ड चुन सकें। तो ये एजुकेशन में एक पूरी पॉलिसी की चेंज की ज़रूरत है, जो 1986 के बाद चेंज नहीं की गई। तो इस चेंज के द्वारा ही अफोर्डेबल स्कूल जो है 21st सेंचुरी के तैयार किए जा सकते हैं। अफोर्डेबल तब होंगे जब पेरेंट्स के पास फ्रीडम होगी, बच्चों के पास चॉइस होगी, बच्चों को फ्रीडम होगी अपनी एजुकेशन चुनने की। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि भी ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए या चॉइस के लिए हमारा एक मुहिम चल रहा है बजट प्राइवेट स्कूल्स का, उस पर सभी हमारे इस आइडिया को पसंद करेंगे कि बच्चों को फ्रीडम होनी चाहिए और पेरेंट्स को फ्रीडम होनी चाहिए, तभी 21st सेंचुरी के बेटर स्कूल्स जो है वो तैयार किए जा सकते हैं अफोर्डेबल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर पुलक सिन्हा टू प्लीज़ कम अप ऑन स्टेज, एंड आई वुड अवार्ड अ टोकन ऑफ थैंक्स टू मिस्टर कुलभूषण शर्मा।